اتنا مشکل ہوتا رات میں پیشاب کے لیے جانا ہے منسٹریشن والوں نے جو باتھ روم بنائے وہ نہ صاف ہے نہ وہاں پانی ہے نہ کچھ ہے نہ جانے کے لیے قابل وہاں کپڑے گندے ہوتے ہیں کیا نماز کے قابل کوئی نہیں رہتا ہے آنے جانے کے مطلب اتنے بڑے بازار میں ایک باتھ روم بنا ہوا تھا موڑ پر وہ بھی نہ صاف ہے تو مجھے خود ایک دن مشکل ہوا اور پھر میں نے خاص پر مطلب پیشاب کی جگہ پر وہ جگہ پر پیشاب باندھ کے جب تک میں پیشاب کرنے کے لیے جگہ پر फेल कर रही है क्योंकि इसका तो कोई फायदा ही असर ही नहीं है। सच अभी मोदी सरकार को यहाँ पे 2.5-3 साल हो रहे हैं, तो जब से मोदी सरकार आए तो सबसे पहले उनका मिशन था स्वच्छ भारत अभियान, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं दिख रहा है। इस इशू को लेके जब हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी रामबन से मिले तो उन्होंने रिक्वायर्ड स्टेप्स लेके कर्मचारियों को बोला कि टॉयलेट्स की साफ सफाई करें। उसके बाद आपने वो मुझे उसके बारे में अवेयर किया, मैंने खुद वहाँ मौका देखा, मैंने अपने आदमी भेजे, उसकी पूरी सफाई कराई और उसके बाद मैंने कंटिन्यू वहाँ पर पानी का कनेक्शन नहीं था पड़ी कितने पहले से, वो मैंने पीएचओ वालों को रिक्वेस्ट करके पानी का कनेक्शन दिलाया। अगले ही दिन टॉयलेट्स की साफ सफाई की गई और उनको काम पे लगाया गया। चलो भैया। अभी जैसे कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे वीडियो वॉलंटियर वाले आए थे तो उनसे बातचीत हुई थी हमारी, तो उन्होंने पूछा था इस बाथरूम के बारे में, तो हमने बोला था कि यहाँ पे बहुत सी गंदगी होती है। मैं शुक्रिया करता हूँ उनका कि उन्होंने यहाँ पे इस पर तवज्जो दिया और उनकी वजह से हमारा काम हुआ और आज थोड़ी बहुत यहाँ पे सफाई हुई है और कोशिश करते हैं कि आगे भी वो ऐसे हमारा ख्याल रखे और काम करे। और जैसे कि अभी देखिए अभी एक हफ्ते पहले यहाँ पे हमने बोला था तो सफाई हुई, आज म्यूनसिपल के आए थे वर्कर आए थे उन्होंने काम किया, तो आगे भी चाहते हैं कि इसी तरह काम होते रहो, सफाई होती रहे।